हेलो दोस्तों आइए आज बात करते हैं ग्लूकोगॉन की देखिए ग्लूकोगॉन का सोर्स क्या है ये मेड बाय अल्फ़ा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज तो पेंक्रियाज के अल्फ़ा सेल्स से बनता है और बीटा सेल्स से क्या बनता है इंसुलिन और ये इंसुलिन का काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन है तो फंक्शन इसका क्या होता है प्रोमोट ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लूकोनियोजेनेसिस लाइपोलिसिस, कीटोजेनेसिस इन सब चीज़ों को ये प्रमोट करता है क्यों क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है तभी एक्टिवेट हो, होता है और फिर इसका मेन मोटिव क्या होता है एलिवेट ब्लड शुगर लेवल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस व्हेन ब्लड स्ट्रीम ग्लूकोज लेवल फॉल्स टू लो कि जब ब्लड स्ट्रीम का ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो ये शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए होम्योस्टास को मेंटेन करने के लिए शुगर लेवल को बढ़ाता है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें करता है इसको प्रमोट करता है और उसके बाद है रेगुलेशन रेगुलेशन इसका कैसे होता है इन तो हाईपो -ग्लासीमिया. हाईपो -ग्लासीमिया सिक्रेट इन रिस्पॉन्स टू हाइपोग्लाइसीमिया हाइपोग्लाइसीमिया में यह सिक्रेट होगा और ये इनहिबिट किसके किसके थ्रू होगा इंसुलिन इसका काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन है तो ये इंसुलिन से ये इनहिबिट होगा एमाइलिन से इनहिबिट होगा सोमेटोस्टेटिन से इनहिबिट होगा और हाइपरग्लाइसीमिया में भी ये इनहिबिट होगा